चीमा के खिलाफ रेफरेंस पर समाप्त भी आज होगी। जी एहतसाब अदालत के रूबरू आज आह चीमा के खिलाफ दो मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत होगी, जिनमें सिर्फ आह चीमा के खिलाफ एक केस नाजायज असासा जात का है, जिसमें एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे, जबकि एक दूसरे केस में जिसमें आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में उस समेत छह मुल्जमान को फरीक बनाया गया है, उस केस पर भी समाअत नजमुल हसन के रूबरू होगी। इस पर इल्जाम है कि आह चीमा ने अपने दीगर साथियों शाहिद शफीक, इसरार सईद, आरफ भट्ट, बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर के साथ मिलकर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। इनकी वजह से आशियाना इकबाल स्कैंडल में जो है मनपसंद कंपनियों को नवाजा गया, जिससे कौमी खजाने को 660 मिलियन का नुकसान पहुंचा था और जिससे आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट की लागत 3.399 बिलियन ज्यादा हो गई थी, जबकि इसमें 61,000 लोगों ने दरखास्तें दी थी लेकिन अभी तक कोई मकान भी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, मोहम्मद सकलैन जावेद, ये बताइए कि आह चीमा के खिलाफ नाजायज असासा जात केस की समाअत आज होगी। जी आह चीमा के खिलाफ एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन नाजायज असासा जात केस की भी समाअत करेंगे, जिसमें नैब हुकाम की तरफ से बताया गया कि आह चीमा की बेशुमार जो जायदादें हैं अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सामने आई हैं, जिसमें आह चीमा की तरफ से FIU हुकाम के सामने भी इतराफ किया गया कि उसके अंदरून मुल्क 21 से ज्यादा अरबों रुपए की जायदाद है, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर के अलावा बैरून मुल्क अमेरिका में भी उनकी एक जायदाद सामने आई है, जबकि करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन भी हुई है जिसमें उनके भाई बेनोई और दीगर जो फैमिली मेम्बरान हैं वो भी शामिल हैं, इसमें उनकी एहलिया और आह चीमा के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, जिस पर आह चीमा के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया था। मोहम्मद सकलैन जावेद, ये बताइए सस्ती मोटरसाइकिल के नाम पर करप्शन केस पर भी आज समाअत होगी। जी एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन के रूबरू सस्ती मोटरसाइकिल के नाम पर 11 अरब रुपए से जायद के फ्रॉड केस में मुलव्वस 18 मुल्जमान को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा, जिनमें इकबाल, शाहिद महमूद, बिलाल खान, मोहम्मद फैसल, अहमद सयाल, नदीम अहमद, मोहम्मद इकबाल, मलक शबाज, अरशद अली, मेहरान खान और नदीम वगैरह को पेश किया जाएगा। इनमें से 6 मुल्जमान को जुडिशियल रिमांड पर, बाकी को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने MNM मोटर्स के नाम से एक कंपनी कायम की और लोगों को सस्ती मोटरसाइकिलें देने के नाम पर उनसे अरबों रुपए बटोरे थे, जिन पर सस्ती मोटरसाइकिल के नाम पर करप्शन केस की समाअत भी आज होगी। मोहम्मद सकलैन जावेद, आपका शुक्रिया।